गर्मियों की हल्की फुल्की भूख के लिए कुछ जबरदस्त टेस्टी चटपटा नाश्ता बनाते हैं, जो कि हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही गजब का टेस्टी है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी और बनाते हैं चटपटा पीनट मसाला। रेसिपी पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो इस रेसिपी में यूज होने वाला एक फटाफट सा मसाला बना लेते हैं। तो इसके लिए 2 बड़े चम्मच जीरा लिया है, साथ में 1 छोटा चम्मच सौंफ लेंगे और जितनी सौंफ ली है उतना ही अजवाइन। तो 1 छोटा चम्मच अजवाइन लेंगे और 1 छोटी चम्मच काली मिर्च और इनको हल्का सा भून लेंगे, मतलब 1 से 2 मिनट इनको इस तरह से धीमी फ्लेम पर भून लेंगे। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अब इसमें 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे और इसी के साथ 1/2 चम्मच सूखा पुदीने का पाउडर ऐड करेंगे। अगर पुदीने का पाउडर नहीं है तो स्किप कर सकते हो। और पैन अभी गर्म है, इसी में इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। अब इनको हम ठंडा कर लेते हैं। इसमें कुछ और मसाले मिलाने हैं तो 1/4 चम्मच हींग यहाँ पे ऐड करेंगे, साथ में 4 चम्मच अमचूर ऐड करेंगे, तो अच्छी क्वालिटी का अमचूर लीजिएगा। 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, साथ में 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्च और चुटकी भर हल्दी ऐड करेंगे जिससे कि हमारे मसाले का कलर बहुत अच्छा आएगा, 1/4 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच चीनी का बूरा ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इन सभी चीज़ों को ग्राइंडिंग जार में डालकर पीस लेंगे और ये देखिए चटपटा चाट मसाला बनकर तैयार है। ये बहुत ही मल्टीपर्पज़ मसाला है, बहुत सारी जगहों पर यूज़ हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसको हम एक तरफ रखते हैं और एक पैन लेते हैं, उसमें 1 छोटी चम्मच ऑयल डालेंगे और यहाँ पर हम डालेंगे अच्छी क्वालिटी के पीनट्स, लगभग 1/2 कप होंगे, और इनको हल्की फ्लेम पर थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप पीनट्स को डीप फ्राई भी कर सकते हो या अगर मॉर्निंग में बना रहे हो तो इसको ओवरनाइट सोक भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने इसको हल्का सा रोस्ट कर लिया है हल्का सा ऑयल डाल के। अब हमने कुछ सब्जियों को बारीक बारीक चॉप कर लिया है। जब आप टमाटर को चॉप करें तो ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर का जो सीड्स वाला जो पार्ट होता है इसको हम निकाल लेंगे इस तरह से, और अब जो ऊपर का भाग बचता है इसको हम बारीक चॉप कर लेंगे और बीज वाले भाग को आप किसी भी सब्जी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे पीनट्स हमारे बढ़िया तरीके से रोस्ट हो गए हैं और हमारे पास चॉप्ड सब्जियाँ भी आ गई हैं। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं थोड़े से प्याज चॉप्ड, साथ में गाजर ली है बारीक चॉप की हुई और साथ में शिमला मिर्च डालेंगे। तो सब्जियाँ अपनी मनपसंद कोई भी डाल सकते हो। यहाँ एकदम फ्रेश खीरा लिया है और इसको भी बारीक चॉप कर लिया है। खीरे के अगर बीज बड़े हों तो आप इनको निकाल दीजिएगा। अब हमने यहाँ पे जो टमाटर लिए हैं तो 2 टमाटर मैंने यहाँ पे लिए थे जिनके अंदर का पोर्शन निकाल दिया है और साथ में बढ़िया तरीके से इनको चॉप कर लिया है। इनको भी हम ऐड कर देते हैं और जो चाट मसाला हमने बनाया था यानी कि पीनट मसाला बनाया था वो इसमें डाल देते हैं। तो 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून भर के मैंने इसमें डाला है, साथ में चुटकी भर नमक भी ऐड किया है और 1/2 नींबू का रस ऐड किया है और खूब सारा हरा धनिया मिलाएंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो अच्छे से मिक्स करके आप इसे थोड़ा सा टेस्ट करके देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा नमक या कोई चीनी वगैरह कम लग रही है तो वो ऐड कर लीजिएगा और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे सर्व कीजिए और बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट बनके तैयार हो जाएगा। तो गर्मियों में जब हल्की फुल्की भूख लगे तो कुछ अनहेल्दी खाने से अच्छा है कुछ हेल्दी खाया जाए। तो आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो देर किस बात की, बिना देर किए ट्राई कीजिए चटपटा पीनट मसाला। इस तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।